हेलो। देखिए, आपका जो परसों क्लास चला था उसमें आपका आईपीसी जब चल रही थी तो लास्ट में 10 मिनट टेक्निकल कारणों से वीडियो रुक गया था और आपका 73 और 74 सेक्शन चल रहा था। इसको फिर से आपका बताया जा रहा है और फिर से एक बार हम इसको बता दे रहे हैं और तब आपका आगे बढ़ा जाएगा। देखिए, आपका अध्याय 3 चल रहा था दंडों के विषय में। यहाँ से आपका मैंने मेंस में तो एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, लेकिन प्री में आपका 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपका झारखंड 3 क्वेश्चन बनाया है, कभी यूपी एपीओ भी एक बार 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनाया है, यूपी जे में भी, यूपी एचजेएस में भी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाता है और उत्तराखंड में भी आपका क्वेश्चन बनता है। अब कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन बने हैं, तो एक तो 53 से भी एक बना है, मृत्युदंड इत्यादि बताया गया। फिर आपका 54 से भी बना है, 55 से भी, 55A से भी बना है, फिर 57 आपको याद करना पड़ेगा, 57 से भी क्वेश्चन बन चुका है। बताया गया कि दंडा भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्षों के तुल्य माना जाएगा, तो बताया गया था 20 वर्षों के तुल्य। कितने के बताया गया, 20 साल। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है 165 से बनता है, फिर एक बार रिवीजन भी हो जाए। 65 से जो क्वेश्चन बना है वह आपका ये बना है कि अगर किसी अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों का दंड हो तो ऐसी दशा में जुर्माना अदा न करने पर एक्स्ट्रा जो इम्प्रिजमेंट या कारावास होगा वह अधिकतम कितना हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका मैंने बन चुका है। ये आपका पिछली बार भी एपीओ में बना था, तो आपका उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है उसके कितने से अधिक नहीं होगा एक्स्ट्रा कारावास, 1/4 यानी कि 1/4, ये रट कर जाना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, जे में भी इस बार बना था, जेएस में भी आपका 67 से क्वेश्चन बना था कि अगर किसी अपराध में केवल फाइन या जुर्माने का दंड हो और अभियुक्त जुर्माना देने में डिफॉल्ट करे, व्यतिक्रम करे, चूक करे यानी कि जुर्माना न दे, तो एजेस में जो बना था कि तब कैसा कारावास उसे दिया जाएगा, सादा की कठोर की दोनों, तो बताया गया था केवल और केवल सिंपल या सादा। और जो दंड होगा वह निम्न मापमान के अनुसार होगा, तो मापमान भी याद रखिएगा, अगर 50 रुपया या कम का जुर्माना है नहीं दिया तो कितने महीने जेल जाएगा, 2 महीने, और 50 से अधिक लेकिन 100 तक है तो कितने महीने, 4 महीने, और 100 रुपये से अधिक का है तो आपका 6 माह, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बना है वह आपका 70 से बना है, 70 धारा से, कि बताया भी गया था पिछले टर्न पर कि सामान्यतः जुर्माना कितने दिनों में वसूल लेना चाहिए, तो समय याद करके जाइए, 4 साल, 5 साल, 6 साल, इनमें से कोई नहीं तो 6 साल। अगर मृत्यु हो जाती है अपराधी की तो क्या जुर्माना भी मर जाएगा कि जुर्माना वसूला जाएगा, बताया गया था ना, तो वसूला जाएगा तो किससे वसूला जाएगा, उसकी संपत्ति से। तो अगर संपत्ति उत्तराधिकारियों के पास चली गई है तो उत्तराधिकारी किस सीमा तक दायी होंगे,
तो जिस सीमा तक वह मृतक की संपत्ति पाए, उससे ज्यादा नहीं। इसके बाद एक नियम और हम बताए थे कि अगर 6 वर्ष से अधिक का कारावास अपराधी को दिया गया है तो जब तक का कारावास है तब तक जुर्माना वसूला जा सकता है। यहाँ समस्यात्मक क्वेश्चन आ सकता है। समस्या ये बन सकती है कि एक व्यक्ति को आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा दी गई तो जुर्माना कितने समय तक वसूला जा सकता है, तो जीवन भर, यानी कि कब तक मारेंगे। दूसरा उदाहरण आपका बन सकता है कि एक व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास की सजा दी गई तो जुर्माने की वसूली कितने समय के अंदर की जा सकती है, तो आपका 10 साल। लेकिन यानी कि इसका मतलब लास्ट लाइन ये रहा कि अगर 6 साल की सजा या उससे कम की सजा या केवल जुर्माने का दंड दिया गया है तो अधिकतम कितने दिनों में जुर्माना वसूला जा सकता है, 6 साल। और 6 साल से जैसे ही अधिक सजा दी गई तब जुर्माना वसूली का समय भी बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, जितना कि दंड दिया गया। 70 के बाद आपका 72 भी हमने बताया था, पूछा कम गया है, लेकिन 72 को हम कोरिलेट किए थे 354 सीआरपीसी से। और आपका एक लाइन हम बताए थे कि अगर ये संदेह है कि अभियुक्त ने कौन सा अपराध किया तो ऐसी दशा में अभियुक्त को उस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिसमें दंड की मात्रा कम हो कि ज्यादा। हाँ, कम। कौन सी धारा? 72। तो अब यहाँ समस्या ये आई कि जहाँ भी कानून में डाउट हो, यानी कि जहाँ भी संदेह हो, तो उस संदेह का लाभ सदैव किसको दिया जाता है? एक्यूज। इसके बाद आइए 73 और आपका 74 देखा जाए। हाँ, किसी भी प्रकार का जो मुख्य कारावास से मतलब नहीं है, जो उसमें दिया जा सकता है माने उस अपराध के लिए जैसा कारावास की सजा दी जा सकती थी तो वह जुर्माना न देने पर वैसे कारावास की सजा दी जा सकती है। बस एक लाइन। हाँ, उससे मतलब नहीं कि क्या दिया गया। अब बेयर एक्ट में अगर किसी भांत का लिखा हो उसी अनुसार कार्य होगा। अब देखिए, फिर एक बार भूमिका बांधनी पड़ेगी। बताया गया था, लेकिन 73 और 74 को फिर एक बार बताना पड़ेगा। देखिए भाई, आपका सबसे पहले दंड के सिद्धांत को याद रखिएगा। ये राजस्थान में क्वेश्चन बना है। सामंड ने दंड के 5 सिद्धांतों को बताया था और 5 सिद्धांतों में मैं बता चुका हूँ। 5 सिद्धांतों में जो एक सिद्धांत हमने बताया था, एक्सपेट्री थ्योरी यानी कि प्रायश्चितात्मक सिद्धांत, या आपका आत्मग्लानि का सिद्धांत, या आत्मचिंतन का सिद्धांत, या आत्ममंथन का सिद्धांत। आत्ममंथन का सिद्धांत होता क्या है, पहले ये देखा जाए। आत्ममंथन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि अपराधी को एकांतवास में रखा जाए, अर्थात अन्य कैदियों से अलग एक कोठरी में रखा जाए, आम जनता से या आम कैदियों से या बाहर क्या हो रहा है इससे उसे जानकारी न हो, यानी कि पूरी तरह वह अनभिज्ञ हो। और जब कोई व्यक्ति अपने को एकांत में पाता है तो अपने किए पर आपका चिंतन करता है, और चिंतन करने के बाद वह पश्चाताप करता है,
अर्थात आत्मग्लान करता है, अर्थात उसका दिल या मन बार बार धिक्कारता है कि मैंने जो किया अब तक, मैंने क्या किया, गलत किया। और जब एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो मन है वह शुद्ध हो जाएगा, उसके मन के अंदर से जब पाप निकल जाएगा, तो जब वह छोड़ा जाएगा समाज में, तो एक सभ्य इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत करेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, आपका आत्मग्लानि का सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन यहाँ बना कि आत्मग्लानि का सिद्धांत या आत्मचिंतन का सिद्धांत आईपीसी के किस सेक्शन में समाहित है। तो दो सेक्शन रट कर जाइएगा, 73 और 74। ये पहला क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया था आपका राजस्थान। दूसरा मॉडल देखिए, आपका अगर दो में से कोई एक सेक्शन चुनना रहा, यानी कि 73 और 74 में से, क्योंकि उत्तराखंड अब ऐसा मॉडल बनाता है कि एक सेक्शन बताइए, तो आप 73 मारिएगा, क्योंकि एकांत परिरोध की सजा का उल्लेख किस धारा में है, 73। तीसरा जो मॉडल बनता है आपका उत्तराखंड हल्का सा चेंज करता है, ये रट कर जाइएगा, एकांत परिरोध पूछे कहाँ दिया गया है, तो आपका 73। और जैसे ही एक शब्द चेंज करे कि एकांत परिरोध की अवधि कहाँ दी गई है, तो जैसे ही टाइम या लिमिटेशन या समय या अवधि पूछे, तुरंत सेक्शन चेंज करिएगा और कौन सा सेक्शन मारेंगे, 74। भाई स्पष्ट हेडिंग में ही पूछा जाता है, यानी कि हेडिंग याद करके जाइए, एकांत परिरोध दे तो 73 धारा, और एकांत परिरोध की अवधि पूछे तो कौन सी धारा, 74। ये रट कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, एकांत परिरोध का मतलब ये हुआ कि इसको साधारण भाषा में कहा जाता है काल कोठरी में डाल देना, यानी कि अंधेरी कोठरी में डाल देना, या एकांतवास में भेज देना। और एकांतवास में क्यों भेजा जाता है, इसका हमने उद्देश्य बताया कि जब कोई व्यक्ति एकांत में अपने को पाता है तो अपने किए पर पछतावा करता है, और एक समय ऐसा आता है जब पछतावा करते करते उसका मन शुद्ध हो जाता है, तो वह समाज में एक सभ्य इंसान की तरह जीवन व्यतीत करने लगता है। जो एकांत परिरोध की सजा है, ये जो सजा है ये जेलर नहीं देता, ये न मार दीजिएगा कि जेलर देता है, ये कौन देता है, न्यायालय देता है। न्यायालय दंड देते समय ही आदेश दंड के नीचे ही आदेश लिख देता है, और किस मामले में न्यायालय दे सकता है, तो ये भी सतर्क रहना है, जिस मामले में अपराधी को कठोर कारावास या सश्रम कारावास की सजा न्यायालय दे सकता है। अब यहाँ टेक्निकल क्वेश्चन ये बन सकता है कि एकांत परिरोध का आदेश कब नहीं दिया जाएगा, तो देखिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि ऐसी दशा में जब कठोर कारावास का दंड दिया जा सकता है तो दिया ही जा सकता है। ऐसी दशा में जहाँ की न्यायालय किसी भी भांति का दंड दे सकता हो तो उसमें कठोर शामिल ही है, वहाँ भी दे सकता है। तीसरा, ऐसी दशा में जहाँ केवल सादा दंड दिया जा सकता हो कारावास का, तो बताइए किस में एकांत परिरोध की सजा नहीं दी जा सकती, तो सादा, किस में, सादा में। अब अगला, ये एकांत परिरोध का जो मैंने आदेश है, वह आदेश कह सकते हैं जो दिया जाता है वह अधिकतम 3 मास के लिए ही दिया जा सकेगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लगातार पूछा जाता है,
तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है पूछ ले, तो कितना मार कराएंगे? 3 मार्क्स भाई, ये 73 में अभी हम बेरेक फिर बताएंगे। और ये जो 3 मास होगा, क्या ये अलग से होगा कि जो मुख्य कारावास है उसी में होगा, समाहित होगा, ये भी पूछ सकता है। तो मैं उदाहरण से बताया था कि ये जो 3 माह का समय होगा ये अलग से नहीं भुगतवाया जाता, जो दंड दिया गया है उसी में उसे 3 माह तक कहाँ अधिकतम रखा जा सकता है अन्य कैदियों से अलग। मैंने काल कोठरी ही कहा जाता है ज्यादातर, अंधेरी कोठरी, एकांतवास, मैंने वहां कोई पहुंचेगा नहीं, खाना वाना मिल रहा है, बाहर क्या हो रहा है ये आपको पता नहीं लगेगा। अगला देखिए आपका, और ये जो 3 मास का समय है ये निम्न मापमान के अनुसार होगा, यानी कि आपका 3 मास अधिकतम हो सकता है, लेकिन एक मेजरमेंट है, मापमान है, वह भी याद रखना है। अगर मुख्य कारावास 6 माह या उससे कम है तो एकांत परिरोध की अधिकतम आदेश कितने का दिया जा सकता है? 1 माह। अगर मुख्य कारावास 6 माह से अधिक किंतु कितना तक दिया गया है? 1 वर्ष तक, 1 वर्ष, 1 वर्ष तक, तो आपका एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी होगी? 2 माह। और 1 वर्ष से अगर अधिक की सजा दी गई है तो एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह। और हर हाल में कितनी हो सकती है? 3 माह। अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है हर हाल में? 3 माह, 3 माह से अधिक नहीं। अभी हम उदाहरण बताएंगे। अब आइए सामहा, जो एकांत परिरोध की अवधि है, अगला कंसेप्ट बता दिया जाए तब सेक्शन शुरू किया जाए। जो ये एकांत परिरोध की अवधि है इसका उल्लेख 74 में किया गया है, और इस सिद्धांत को भी थोड़ा समझिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एकांतवास में छोड़ दिया जाए तो इसमें भी आपका समस्या होती है। समस्या ये होती है कि हो सकता है कि वह एकांत में पाकर अपना चिंता करने लगे, और इतना चिंता कर ले कि पागल हो जाए या आत्महत्या कर ले। अगर कोई व्यक्ति दिन भर घूम कर काम करता है और 10 दिन एक कमरे में बंद कर दीजिए, तो देखिए 10 दिन बाद वह आपका, उसका चेहरा, शरीर और उसका मन देखिए, आपका हो सकता है कि वह आईपीसी के सेक्शन 84 वाला हो जाए, यानी कि अनसाउंड माइंड हो जाए, यानी कि चित्त विकृत हो जाए, और लोगों को निकलते ही गाली गलौज करने लगे और पत्थर बरसाने लगे, कोई भरोसा नहीं है। अतः कानून कहता है कि आपका एक बार में अधिकतम कितना दिन रखा जाना चाहिए ताकि वह पागल इत्यादि न हो, तो जो एक बार में कितने दिन तक उसे एकांतवास में रखना चाहिए इसका जो नियम है ये 73 हम नहीं बताएगा, अवधि कौन बताएगी? 74। यही पॉइंट पकड़ना है। 73 तो केवल ये बताती है कि कितनी सजा दी जा सकती है अधिकतम, लेकिन वह सजा कैसे भुगतवाई जाएगी? क्या लगातार 3 माह तक रखा जाएगा एकांतवास में? तब तो वैसे ही पागल हो जाएगा। तो वह जो टाइम है ये कौन सा सेक्शन बताता है? 74। और 74 को जब भी पढ़िए ऊपर की लाइन बाद में पढ़िएगा, नीचे की लाइन पहले पढ़िएगा, क्योंकि उल्टा पढ़ना रहता है और हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं दोनों लाइनें पढ़ाऊंगा और फिर नीचे की लाइन से उठाकर कौन को रिलेट किया जाएगा ऊपर। हमेशा ज़्यादातर लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, लेकिन आज कंफ्यूजन को पूरी तरह क्या कर लेना है, क्लियर उसमें भाई ये। अब देखिए 73 शुरू किया, जब आपका सामान्य बातें जब हो गई तो
73। अब शब्दशः शुरू किया जाए और ज्यादातर बातें फिर एक उदाहरण देखा जाएगा, एक एक दो दो उदाहरण भी। अब देखिए बेरेट में बताया भी था, लेकिन फिर से एक बार बताया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भाई वीडियो 15-10 मिनट पहले ही रुक गई थी। देखिए एक एक शब्दों को भाई, जब कभी कोई व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए कन्विक्ट ठहराया जाता है, अर्थात दोष सिद्ध किया जाता है। दोष सिद्ध का मतलब कि न्यायालय में ये बात साबित या प्रमाणित या प्रूफ हो गई कि इस व्यक्ति ने यह अपराध किया। तो ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन, इस संहिता मतलब कल भी बता परसों बताया गया था कौन सी हम संहिता पढ़ रहे हैं, आईपीसी। आईपीसी के अधीन उसे कठिन कारावास यानी कि कठोर या सश्रम कारावास से दंडित करने की शक्ति है। तो पहला क्वेश्चन आपको ये निकालना है, मैं सामान्य बातों में भी बताया कि एकांत परिरोध का दंड कब दिया जाएगा, सभी मामलों में नहीं, केवल उन अपराधों में जिन अपराधों में न्यायालय अभियुक्त को कौन सी सजा देने में सक्षम है यानी कि कौन सी सजा दे सकता है, सादा की कठोर की दोनों। तो क्या बताया गया था, केवल और केवल कठोर, यानी कि जहां न्यायालय किसी अभियुक्त को सिंपल या सादा कारावास की सजा दे सकता है, उन अपराधों में 73 और 74 अप्लाई नहीं होगी, अर्थात उन अपराधों में एकांत परिरोध का दंड नहीं दिया जाएगा। इसको अच्छे से गांठ मान लीजिए। तो न्यायालय अपने दंडादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि, अब ये आया कि न्यायालय दंडादेश देते समय ही, सजा देते समय ही उसी में एक आर्डर लिख देगा, एक आदेश दे देगा। क्या आदेश दे सकेगा? अब सकेगा लिखा है तो फिर एक समस्या आ गई कि क्या न्यायालय एकांत परिरोध का आदेश देने के लिए बाध्य है कि विवेकाधिकार है? तो सकेगा में क्या रहा, चाहे दे या न दे, किसके विवेक पर चला गया, कोर्ट के। सही बता रहे हैं भाई। आगे देखिए, जिसके लिए वह दंडादिष्ट किया गया है किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक के न होंगे, निम्न मापमान के अनुसार एकांत परिरोध में रखा जाएगा। यानी कि आपका, मैंने कह सकते हैं कि जो मुख्य कारावास दिया गया है उसी में से उसे दंडित, मैंने आदेश दिया जाएगा कि यह एकांत का ये परिरोध में भी रखा जाएगा। अब एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि हर हाल में कितनी हो सकती है, तो कानून कितना कहता है कि इससे अधिक नहीं होगी, तो कितना एकांत परिरोध की अधिकतम अवधि पूछा जाता है, 3 मास। कितना बैरक बताता है, 3 मास। और निम्न मापमान के अनुसार होगी, तो मापमान हमने बताया ही, और फिर एक बार हम मापमान बता रहे हैं, फिर एक बार देखिए। और मापमान को ही थोड़ा समझाना है के लिए, यही थोड़ी समस्या रहती है। तो एक मापमान बता दें और फिर आपका एक उदाहरण बता दें ताकि आ जाए। देखिए मापमान, अगर किसी अपराधी को अधिकतम कितने मास तक की सजा दी गई है, 6 मास, तो न्यायालय अब अधिकतम कितना आदेश दे सकता है एकांत परिरोध के लिए, 1 मास। कितना दे सकता है, यानी कि जब अपराधी, अभी समझते भी रहिए, जब अपराधी 6 माह की सजा व्यतीत करेगा उसी 6 माह में से 1 मास उसे एकांत परिरोध में रखा जाए,
यानी कि 5 माह तक अन्य कैदियों के साथ, और 1 माह कहाँ रखा जाए अन्य कैदियों से अलग, यही समझ लिया। मैंने ये 1 माह अलग नहीं है, उसी 6 माह में क्या है समाये। अगला ये, अगर दंड दिया गया है 6 माह से अधिक है किंतु 1 वर्ष से अनधिक, अब लीगल भाषा में भी समझ, 1 वर्ष से अनधिक है तो अधिकतम एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकती है? 2 मास। वे एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति को 10 मास की सजा दी गई, बताइए अधिकतम एकांत परिरोध कितनी आदेश, कितना आदेश न्यायालय दे सकता है? 2 मास। तो 2 मास है तो सतर्क ये रहना है कि 8 मास तक वो आम कैदी के साथ रहेगा 10 माह में से, और 2 माह कहाँ रहेगा? एकांत परिरोध में अकेले रहेगा। अगर 1 वर्ष से अधिक की सजा दी गई है तो ऐसी दशा में अधिक माने कितना हो सकता है एकांत परिरोध? 3 माह, और अधिकतम हो ही कितना सकता है? 3 माह। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी गई, तो उदाहरण से पूछ सकता है कि जब आजीवन कारावास की सजा दी गई है तो अधिकतम एकांत परिरोध की अवधि बताइए, तो भाई 3 मास, क्योंकि अधिकतम कितना हो सकता है। किसी अब अपराधी को 10 वर्ष की सजा दी गई, तो 10 वर्ष की सजा दी गई तो अधिकतम एकांत परिरोध का आदेश कितना दिया जा सकता है? 3 मास। 5 साल की सजा है तो 3 मास, मृत्युदंड है तो 3 मास, आपका 7 साल की सजा है तो 3 मास, और आपका 3 साल की सजा है तो 3 मास, और 10 महीने की सजा है तो अधिकतम कितना, और 2 महीने की सजा है तो अधिकतम 1 मास, 2 महीने की सजा दी गई है तो अधिकतम कितना आ जाएगा? इसमें आएगा, क्योंकि 6 माह या उससे 5 माह की सजा दी गई हो तो 1 मास। तो अब अगर कहीं समस्या आ भी जाए, तो भाई किसी को न समझ में आया हो तो फिर बताया जाए, नहीं तो अगला सेक्शन पढ़ा जाए। भाई न समझ में आया तो एक बार फिर बताया जाएगा, नहीं तो अगला अब सेक्शन देखते हैं। आइए देखते हैं 74। 74 से लगातार आपका पहला तो हेडिंग बनता है, हेडिंग ये बनता है कि एकांत परिरोध का टाइम या समय या अवधि या परिसीमा कितनी मैंने कहाँ दी गई, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 74। पहला क्वेश्चन ज्यादा जो बना है, मैं अभी कंसेप्ट भी बताया था कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक एक कमरे में अकेले रख दिया जाए, समाज से उसको पूरी तरह काट दिया जाए, तो हो सकता है कि वह मानसिक रूप से आपका कह सकते हैं परेशान हो जाए, या उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाए, या कह सकते हैं कि बीमार हो जाए। अतः कानून ये कहता है कि जब एक बार रखा जाए उसको एकांतवास में, तो बहुत लंबे समय तक न रखा जाए, बीच बीच में क्या दिया जाए, गैप दिया जाए, यानी कि बीच में आम कैदियों के साथ रखिए, फिर एकांतवास में रखिए, फिर आम कैदियों के साथ, फिर एकांतवास, तो कितने दिन वह एकांतवास में लगातार रखा जा सकता है और कितने दिन आम कैदियों के साथ, इसका निर्धारण 73 नहीं करेगी बल्कि कौन सा सेक्शन करेगा? 74। भाई अब एक बार पहले आपका देखिए, हम बेर एक्ट को तोड़ कर बताएंगे, थोड़ा कठिन है भाई, आपका 2 बार हम बताएंगे इसको, क्योंकि आपका हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं, 2 बार बताया जाएगा। देखिए एक एक शब्दों को, 74, एकांत परिरोध की अवधि। देखिए, एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक न होगा, और साथ ही
ऐसे एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन कालावधियों से अन्यून्य, अन्यून्य माने कम नहीं, अंतराल होंगे। यानी कि पहला नियम आपका क्या मिला? पहला नियम ये मिला कि अगर एकांत परिरोध में रखा जा रहा है तो एक बार में लगातार कितने दिन तक रखा जा सकता है, बताइए, 14 दिन, और फिर रखना है तो कम से कम 14 दिन का अंतराल दिया जाएगा। अंतराल मतलब ये हुआ कि गैप दिया जाएगा, यानी कि 14 दिन। तो एक उदाहरण देखिए, 1 से 14 तारीख तक उसे रखा गया तो अब कम से कम कितना दिन अंतराल दिया जाएगा? 14 दिन। यानी कि जितना दिन रखा जाएगा कम से कम अगली बार में रखने के लिए उतने दिन तक क्या दिया जाएगा? अंतराल। अब अंतराल क्यों दिया जाए? अभी हमने बताया कंसेप्ट आपको कि अगर लंबे समय तक लगातार रखा जाए तो हो सकता है कि वह क्या हो जाए, मानसिक रूप से परेशान हो। तो अब बताइए, आपका पेयर एक्ट में जो पहला नियम निकला कि एक बार में जो अधिकतम निष्पादन के लिए मैंने रखा जाएगा उसे, उसका टाइम क्या होगा? तो उसका समय होगा अधिकतम कितना दिन? 14 दिन। और फिर अगर दोबारा रखना है तो कम से कम कितने दिन का गैप होना चाहिए? 14 दिन। अब आप मान लीजिए 7 दिन रखा गया, तो बताइए अब कितने दिन के गैप के बाद ही दोबारा वह एकांत परिरोध में रखा जाएगा? 6 दिन रखा गया तो कम से कम कितना दिन गैप? 6 दिन। 10 दिन रखा गया है तो 10 दिन गैप। 11 दिन रखा है तो, और अधिकतम एक बार में लगातार कितने दिन तक रखा जा सकता है? 14 दिन। अब ये दूसरा भी देखिए, फिर एक बार हम बताएंगे, इतना तो आया ना सामान्य। अब अगला सब देखिए भाई, आपका वही सतर्क रहना है। और जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो, अब यहाँ पॉइंट आपको पकड़ना है, अगर जो मुख्य दंडादेश दिया गया है अगर वह 3 मास से क्या है, अधिक, यानी कि जो मुख्य कारावास है वह 3 मंथ से क्या है, अधिक है, तब ऐसी दशा में आपका अब महीना के हिसाब से चलेगा, महीना के हिसाब से चलेगा, और 1 मास में अधिकतम कितने दिन तक एकांत परिरोध में रखा जाएगा? 7 दिन। और फिर अगले महीने रखना है तो कम से कम कितने दिन गैप होना चाहिए? 7 दिन। फिर एक बार देखिए, पूरा वाक्य बताया जाए तो फिर हम नीचे से शुरुआत करेंगे, इसके ऊपर से नहीं। वो जब दिया गया कारावास, अभी उदाहरण भी बताएंगे एक दो, पहले पेयर एक्ट हो जाए। जब दिया गया कारावास 3 मास से अधिक हो तब दिए गए संपूर्ण कारावास के किसी 1 मास में, यानी कि 1 मास माने कितना, 1 महीने में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा, और साथ ही एकांत परिरोध की कालावधियों के बीच में उन्हीं कालावधियों माने उसी समय से अनून्य, अनून्य मतलब क्या हुआ, कम नहीं, तो कितने से कम नहीं, 7 दिन से अंतराल होंगे। यानी कि अगर अब आइए पूरा अब नीचे से उठाइए एक बार, माने अब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों नियम लिख दिए गए और दोनों नियम आपका अब बिल्कुल कट आपका बताएंगे। देखिए फिर से एक बार भाई, अब यहाँ से उठाइए, अगर किसी अपराधी को जो सजा दी गई है वह 3 मास से अधिक है, तो कोई तो सजा दिलवाइए। तो मान लीजिए न्यायालय ने 2 वर्ष की सजा दी, अब आप लोग बताइए 2 वर्ष की जो सजा है वह 3 साल से अधिक, 3 महीने से अधिक की है कि नहीं है?
तो अगर दंड दिया गया है और 3 मास से अधिक का है और न्यायालय ने आदेश दिया है कि इसे एकांत परिरोध में भी रखा जाए तो रखा जाएगा, लेकिन नियम ये कहता है कि 1 महीने में अधिकतम, अब कितने दिन तक उसे एकांतवास में रखा जाएगा, अधिकतम 7 दिन, और 7 दिन के बाद आपका कम से कम कितना गैप दिया जाएगा, 7 दिन। तो बताइए, 5 दिन अगर रखा गया है, 1 महीना अधिकतम 7 दिन है, 5 दिन रखा गया तो कितना गैप होगा, और 4 दिन रखा गया है तो 4 दिन। अब आइए एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कि एक अपराधी है और आपका मान लीजिए कि 24 से लेकर और 30 तारीख तक उसे लास्ट मान महीने के लास्ट में 24 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक उसे एकांत परिरोध में रखा गया और जो दंड दिया गया था उसे 3 माह से अधिक था। तो कानून ये कहता है, पहला नियम, कि आप एकांत परिरोध में रख सकते हैं, लेकिन जब जो सजा है अगर वह 3 मास से अधिक की है, मुख्य कारावास जितना दिया गया है, तो 1 महीने में अधिकतम आप कितने दिन तक रख सकते हैं, आपका 7 डे, और जब अगले महीने में रखना है आपको तो कम से कम बीच में जितने दिन आप एकांतवास में उसे रखे हैं कम से कम उतने दिन तक का क्या के अंतराल। तो 24 से 30 तक रखा गया, अब बताइए तो क्या अगले महीने में 1 तारीख को पुनः रखा जा सकता है कि नहीं, बताइए। तो कितने दिन का गैप दिया जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यानी कि आपका 1 से 7 तारीख तक क्या दिया जाएगा गैप, अब रखना भी है तो किस तारीख से। अब इसमें कोई समस्या हो तो भाई फिर बताइए, नहीं तो अगला नियम देखा, ये आ गया ना, फिर एक बार देखिए, यही पॉइंट पकड़िए। अगर मुख्य कारावास 3 मास से क्या हो अधिक, तो 1 महीने में अधिकतम एकांत परिरोध कितने दिनों तक होगा, 7 दिन, और अगले महीना रखना है तो बीच में कम से कम कितने दिन का गैप होना चाहिए, 7 दिन। अगर 5 दिन रखा गया है तो 5 दिन का, लेकिन अब यहीं से नियम आप है, देखिए कैसे बदला जाता है, यहीं से आप ये हटा दीजिए। अब एक कल्पना करिए कि अगर जो सजा है वह 3 मास की हो या 3 मास से क्या हो कम, तो जैसे ही अगर दिमाग यहीं अस्थिर करके समझना है, अगर मुख्य कारावास 3 मास हो या 3 मास से कम का हो तो महीना भूल जाइएगा, अब किस में चलेगा, दिन में, और एक बार में अधिकतम कितने दिन तक उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा, कितने दिन तक, अगर 3 मास या उससे कम का दंड दिया गया है तो अब नियम कौन चलेगा, 14 दिन। यानी कि स्पष्टतः बेयर एक्ट में लिखा नहीं गया है, लेकिन जो नीचे लिखा गया है उस अनुसार हमने एक नियम निकाला कि अगर सजा 3 मास की है या 3 मास से कम है तो ऐसी दशा में अब महीने के हिसाब से नहीं चलेगा मामला, किसके हिसाब से चलेगा, दिन के हिसाब से, और एक बार में अधिकतम कितने दिन तक उसे एकांत परिरोध में रखा जाएगा, तो कितने दिन अब बताएंगे, 14 दिन, यानी कि 14 डेज, और फिर अगला बार रखना महीने के हिसाब से नहीं, किसके हिसाब से चलेगा, दिन के हिसाब से। फिर एक बार इसको देखिए, आपका देखिए बेयर एक्ट जब भी पढ़िए, आपका सबसे पहले मैंने आपका नीचे वाली लाइन पढ़िएगा और तब ऊपर वाली, क्योंकि आपका देखिए अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। सामान्यतः एकांत परिरोध की अवधि,
एक बार में अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 14 दिन मार कराए कितनी? अब दूसरा मॉडल, अगर कारावास का जो दंड दिया गया है 3 मास या उससे कम है तो एकांत परिरोध की अवधि एक बार में अधिकतम कितनी हो सकती है? 14 दिन। क्योंकि हमने क्या बताया कि 3 महीने से या उससे कम का दंड है तो एक बार में अधिकतम कितने दिन तक एकांतवास में रखा जा सकता है? 14। फिर अगला, ये अगर 3 मास से अधिक का कारावास किसी अपराधी को दिया गया है तो एकांत परिरोध हो सकता है। आपका 1 महीने में अधिकतम हो सकता है 14 दिन, 7 दिन, 15 दिन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कितना होगा? अगर 3 मास से अधिक की सजा है तो एक बार में 1 महीने में अधिकतम उसे एकांतवास में कितने दिन तक रखा जा सकेगा? 7 दिन। तो यही कंसेप्ट बनाना है भाई। भाई न समझ में आया तो फिर एक बार बताया जाए। थोड़ा टेढ़ा जरूर है, टेढ़ा इस कारण है कि आपका सीधा बेयर एक्ट में नहीं लिखा है। बेयर एक्ट जब भी पढ़िए तो पहले 3 मास या 3 मास से कम वाला पढ़िएगा, मैंने 3 मास से अधिक वाला, उसके बाद से 3 मास से कम का नियम निकालिएगा। फिर मैं एक बार लास्ट में बता दूं, अंतिम बात। अब पूरे की समरी मैं बता रहा हूं, पूरे बेयर एक्ट की। अगर कारावास की सजा 3 मास से अधिक है तो एक बार में एकांतवास में अपराधी को कितने दिनों तक रखा जा सकता है? यहाँ महीने के हिसाब से चलेगा, और 7 दिन। और अगली बार रखना है अगले महीने तो कम से कम 7 दिन का क्या होना चाहिए? गैप। लेकिन अगर सजा 3 मास या उससे कम है तो अब महीने न समझिएगा, महीना अब नहीं चलेगा, अब किस में चलेगा मामला? दिन में। तो बताइए अगर 3 मास या उससे कम की सजा है तो एक बार में अधिकतम एकांत परिरोध की अवधि कितनी हो सकती है? तो 14 दिन मारिए कितने दिन, और आगे 14 दिन फिर रखना है तो कम से कम कितने दिन का गैप होना चाहिए? 14। तो 3 एंगल से बताया गया। अब आइए अगला सेक्शन देखा जाए, 75। भाई ना आए तो फिर पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो नियम है वो बताया गया 2-3 एंगल से। थोड़ा टेक्निकल जरूर है कि घुमावदार लिखा गया है, फिर एक बार पढ़िए, नहीं आए तो फिर बताया जाएगा, भले 10 बार बताना पड़े कोई रोक टोक नहीं। अगला देखिए 75 से भी। अभी आपका झारखंड में क्वेश्चन बना भी था, आपका झारखंड में क्वेश्चन बना भी था 75 के तहत कि पूर्व दोष सिद्धि या प्रायर कन्विक्ट या प्रायर कन्विक्शन किस सेक्शन में दिया गया है? तो 75 मैंने अंदर से नहीं पूछा गया था, केवल और केवल सेक्शन पूछा गया था, लेकिन पूर्व दोष सिद्धि के मामले में पहले नियम जानिए और तब आपका सेक्शन 75 हम बताएंगे। देखिए आपका, देखिए सामान्य नियम है कि कानून एक बार मौका देता है, बार बार नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक बार किसी को मौका दिया गया तो आदमी को चाहिए कि वह कार्य, वह गलती दोबारा न करे। अगर वह गलती दोबारा करता है तो कानून उसमें सख्त रुख अपनाता है। तो उसी प्रकार आपराधिक मामलों में भी अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध कर चुका है और दोबारा अपराध करता है
एक बार अपराध के लिए सजा पा चुका है तो जब दोबारा वह अपराध के लिए दंडित होगा तो सजा की मात्रा इंक्रीज करेगी, बढ़ जाएगी। अतः का इसी अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार पहले सजा पाया है और दोबारा अपराध किया, दूसरी बार न्यायालय सजा दे रहा है, तो दंड की मात्रा बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। क्यों बढ़ाई जाती है? कि एक बार में सुधर जाना चाहिए, और तुम कुत्ते की दुम जैसे बार बार वही कार्य कर रहे हो, यानी कि आभासिक अपराधी हो गए हो, हैबिचुअल हो गए हो, आदतन हो गए हो। तो अब एक उदाहरण देखिए। एक चोर था, घर में चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसे 2 साल की सजा दी गई। फिर दूसरे के घर में चोरी किया, पकड़ा गया, तो कानून कहता है कि एक बार जब चोरी के लिए कोर्ट दंडित किया और तुम दोबारा क्या किए, आकर चोरी किए, तो दंड की मात्रा अब दोबारा बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी, बहुत ज्यादा हो जाती है। अभी हम बताएंगे उदाहरण, यानी कि बहुत ज्यादा हो जाती है दंड की मात्रा। और आपका घर में चोरी के लिए 7 साल का दंड, और दोबारा चोरी किया है, सजा देनी है, तो अधिकतम आजीवन कारावास, यानी कि जीवन भर का कारावास हो सकता है, यानी कि दंड की मात्रा क्या होगी? अब देखिए अगला नियम। देखिए एक क्वेश्चन आपका मिलेगा, मैं बता दूं, इसको एक जगह लिख लीजिए, सही रहेगा। अब इसको आपका प्रायर कन्विक्ट या पूर्व दोष सिद्धि, यानी कि पहले भी एक बार यह व्यक्ति दंडित हो चुका है, अब किन-किन कानूनों में कहां-कहां ये बातें समाहित हैं, उन कानूनों को पहले देखना है, अच्छे से देखना है, और एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं। तो अच्छा यही होगा कि आप एक जगह आपका एकत्र कर लीजिए। तो सबसे पहले हम एकत्र करवा रहे हैं आपका सीआरपीसी से, उसके बाद एविडेंस, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद आपका आईपीसी निकाला जाएगा। तो पहले आपका सीआरपीसी से देखा जाए, सीआरपीसी से भी क्वेश्चन बनता है, उसको लिखिए भाई, अलग अलग लिख लीजिए। पहले सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि हेडिंग डाल लीजिए, पहले सीआरपीसी में। अब देखिए कहाँ से क्या क्वेश्चन बना है वो भी हम बता रहे हैं। ये आपका पूर्व दोष सिद्धि, 4-5 क्वेश्चन भी यहाँ आपका निपट जाएगा। एक कर देखिए में क्या बना है। देखिए सबसे पहले सीआरपीसी की धारा 211 का क्लॉज 7 पढ़ना है, यानी कि सीआरपीसी की धारा 211 का क्लॉज 7, ये भी आपका, कि पूर्व दोष सिद्धि का आरोप न्यायालय लगा सकता है, यानी कि जब किसी अभियुक्त पर आरोप या इल्जाम न्यायालय लगा रहा है, तो अगर वह व्यक्ति या वह अभियुक्त पहले से एक बार दंडित हो चुका है, तो ये बात आरोप में न्यायालय लिख सकता है। ये कौन सी धारा बताती है सीआरपीसी की? तो 211 का कौन सा क्लाज है? 7। अब देखिए नियम भाई, पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाया जा सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लेकिन न तो अभी पढ़कर सुनाया जाएगा अभियुक्त को और न ही आपका समझाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व दोष सिद्धि तब काम करती है जब अभियुक्त को दूसरे अपराध में दोष सिद्ध किया गया हो, अब सजा देना हो, तो सजा की मात्रा इसके कारण क्या होती है? बढ़ जाती है। तो कंसेप्ट बनाए रखिए कि पूर्व दोष सिद्धि का जो आरोप लगा है
वह कब पढ़कर अभियुक्त को सुनाया जाता है और समझाया जाता है? तो पहले नहीं, कब? जब अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दिया जाता है। याद रखिए, यानी कि अभियुक्त को अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय दिए जाने के पश्चात किंतु दंडादेश देने के पूर्व, यानी कि इसका मतलब देखिए, एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए ए एक अभियुक्त है और पहले एक बार चोरी के लिए दंडित हो चुका है, दोबारा फिर चोरी किया है, तो ऐसी दशा में आपका जो प्रायर कन्विक्शन का आरोप होगा वो तुरंत लगा दिया जाएगा, लेकिन अभी न तो उसे पढ़कर सुनाया जाएगा न ही समझाया जाएगा। तो कब सुनाया और समझाया जाएगा? जब अभियुक्त दूसरे मामले में, यानी कि दूसरे मुकदमे में, दूसरे जो मुकदमा चोरी का उस पर चल रहा है उस मामले में कन्विक्ट किया जाए। कन्विक्ट किया जाए मतलब दोष सिद्ध किया जाए। तो दोष सिद्ध का मतलब कि न्यायालय में ये बात प्रमाणित हो गई, प्रूफ हो गई कि इसने दूसरी बार चोरी किया। अब चोरी की सजा देनी है, दंड देना है, तो जो ये दोष सिद्धि के बाद और दंड देने के पहले इसी समय पूर्व दोष सिद्धि का जो आरोप था वह अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा, और अगर ये साबित हो गया कि ये पहले भी एक बार चोरी के लिए क्या पा चुका है सजा, तो दूसरी बार की सजा अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। ये आपका अगला नियम देखिए। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में आपका पूर्व दोष सिद्धि का आरोप लगाना और सुनाने के लिए अलग सेक्शन बना है और वह उत्तराखंड में बना है। क्वेश्चन कि सत्र न्यायालय के विचारण में पूर्व दोष सिद्धि का नियम कहाँ दिया गया है? तो सीआरपीसी की अगला सेक्शन लिखेंगे 236। लिख लीजिए भाई, सत्र न्याय सीआरपीसी चल रही है। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि, तो कौन सा सेक्शन है स्पेशल बना है? कौन सा सेक्शन? 236, याद रखिएगा। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनता है 298, लिखिए उसको 298। जो लोग उत्तराखंड डाले हैं उत्तराखंड में लगातार ये रिपीट करते हैं धारा 298 सीआरपीसी। क्वेश्चन ये बना है कि पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, इसका उल्लेख कहाँ है? तो लिख लीजिए, पूर्व दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि को साबित करना। कई बार ये बहुत बार ये रिपीट किया है क्वेश्चन भाई, एक बार नहीं दसों बार आपको मिल जाएगा साल पेपर में। कौन सा सेक्शन है? 298, पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति को कैसे प्रूफ किया जाएगा। देखिए उत्तराखंड हेडिंग से पूछा है, लेकिन एमपी और एक बार झारखंड ने थोड़ा अंदर जाकर पूछा है, अंदर भी बता दिया जा हल्का सा। क्वेश्चन ये बना है कि पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, यानी कि इसके पहले इस अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा चला और उस मुकदमे में वह एक्विटल कर दिया गया, अर्थात बाइज्जत बरी कर दिया गया। अगर कोर्ट में ये साबित करना हो तो आप कैसे साबित करेंगे? तो एक ही तो उपाय है कि जिस न्यायालय ने निर्णय दिया था उस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित कॉपी लाई जाए और कोर्ट में पेश की जाए कि हजूर देखिए ये निर्णय है
और इस निर्णय के आधार पर ये इसके पहले के मुकदमे में बाइज्जत क्या हो चुके हैं बरी। एक ही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। कौन सा उपाय? कि जिस न्यायालय ने फैसला सुनाया था बाइज्जत बरी होने का, उस न्यायालय के निर्णय की कैसी कॉपी, प्रमाणित कॉपी लाकर क्या किया जाए पेश। लेकिन जो सतर्क रहना है कि दोष सिद्धि कैसे साबित की जाएगी, यही आपका पूछा जा सकता है, और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि पूर्व दोष सिद्धि या प्रायर कन्विक्शन कैसे साबित किया जाएगा। तो उसके तीन तरीके हैं, और तीनों तरीका आ जाए, उपर्युक्त सभी आए तो उपर्युक्त सभी मार कर आइए। यही आपका एमपी में पूछा गया था। पहला है कि जिस न्यायालय ने अभियुक्त को सजा दी थी उस न्यायालय के निर्णय की कौन सी कॉपी पेश किया जाए, प्रमाणित, ये तो दोनों में चलेगा। दूसरा ये है कि न्यायालय ने जब सजा भुगतवाने के लिए जेलर को वारंट भेजा था तो उस वारंट को क्या किया जाए, कोर्ट में पेश किया जाए। थोड़ा मिलना मुश्किल रहता है, वारंट मिलना क्या रहता है मुश्किल, यानी कि जिस वारंट द्वारा, जिस आदेश द्वारा न्यायालय ने अपराधी को कहाँ भेजा था, जेल, वह आदेश प्रस्तुत किया जाए। यह दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका है कि जो जेल का भार साधक अधिकारी है, यानी कि जो जेलर साहब है, वे क्या करें, तो अपना प्रमाणित दे दें कि इस अपराध के लिए यह कैदी हमारे जेल में इतने दिनों तक सजा काटा है। तो कितने तरीके हो गए पूर्व दोष सिद्ध साबित करने के? तीन। पहला न्यायालय का क्या हो गया, निर्णय की कॉपी। दूसरा क्या हो गया, वारंट पेश करिए। और तीसरा किसका, प्रमाण पत्र कि हमारे जेल में इतने दिन रहा है, जेलर का। तो उपर्युक्त क्या मारेंगे, सब। दोष मुक्ति साबित करने के कितने तरीके हमने बताए, एक, और क्या करके, निर्णय की प्रमाण कॉपी। सीआरपीसी के किस सेक्शन में दिया गया है? अब अगला क्वेश्चन कि पूर्व दोष मुक्ति या पूर्व दोष सिद्धि साबित करने का स्पेशल नियम सीआरपीसी में कहाँ है, तो स्पेशल नियम कहाँ मारेंगे, 298। अगला सेक्शन देखिए, अगला सेक्शन 300 है, 300 का क्लाज वाइज पढ़िएगा भाई। पूछा भी गया था, एक दो लोग दिल्ली से दौलताबाद तक पढ़कर आए थे और 301 भी नहीं जानते थे, जबकि हम तो लगातार शुरुआती दौर में ही बताते हैं। सेक्शन सीआरपीसी के 300 के क्लाज वन में पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति दोनों का सिद्धांत समाहित है, यानी कि इसको झारखंड ने जो बनाया, प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट। आपका क्वेश्चन ये बना कि प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत किस सेक्शन में सीआरपीसी के, तो 300 के क्लाज वन में। प्रायर कन्विक्ट का मतलब हुआ पूर्व दोष सिद्धि, यानी कि प्रायर कन्विक्शन, यानी कि एक बार वह पहले भी सजा पा चुका है। और प्रायर एक्विट का मतलब हुआ प्रायर एक्विटल, एक्विटल मने दोष मुक्ति, यानी कि एक बार उस पर मुकदमा चला लेकिन सजा नहीं पाया, न्यायालय से बरी हो गया, तो उसको हम प्रायर एक्विट, प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक्विट, ये दोनों सिद्धांत किस सेक्शन में समाहित है। तो आपका क्या जवाब रहेगा, 300 के कौन से क्लाज में, वन, क्लाज वाइज मार कर जाइएगा। 300 का कौन सा क्लाज है, वन, दोनों लिख लीजिए, प्रायर एक्विट और प्रायर कन्विक्ट।
जोड़ लीजिए भाई, बहुत अच्छा। ये झारखंड में अभी लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि अभी झारखंड एपीओ में भी आया था, जे में, एपीओ में लगातार ये आ रहा है क्वेश्चन। अब अगला आया जाए, 356 सीआरपीसी की धारा 356, अगला देख लिख लीजिए उसको। सीआरपीसी की कौन सी धारा हम बता रहे हैं, 356, एक लाइन जानना है। सिद्ध व्यक्ति पते की सूचना, यानी कि अगर पहले से एक अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्ध हुआ है तो कुछ मामलों में न्यायालय ये आदेशित कर सकता है कि आप अपने पते या एड्रेस की सूचना देते रहिए, तो कितने दिन तक सूचना देते रहिए। एमपी ने वह समय बनाया तो कितने दिन तक सूचना देते रहिए पते की, 5 साल, लिख लीजिए 5 साल तक पते की सूचना देना। एक लाइन लिखिए, पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा, ये एमपी में आ चुका है क्वेश्चन, समय बना था 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो कितना मार कराएंगे, 5 साल, 5 वर्ष मार कराना है। इस प्रकार आपका जो सीआरपीसी में मुख्य मुख्य था वो। अब आइए आपका एविडेंस चला जाए, लिख लीजिए भाई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूर्व दोष सिद्धि कहाँ कहाँ है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। बिहार में भी बना, झारखंड में भी बना, यूपी में भी बना, इसमें कोई शक नहीं है, और आपका सतर्क एक्सप्लेनेशन बन गया। एक्सप्लेनेशन कौन, एक्सप्लेनेशन नंबर तक बना है और लोग गलत करके आ गए थे, लेकिन आपका एविडेंस में अच्छे से तैयार रखिए। एक या दो क्वेश्चन में फिर भले समय लग रहा हो, लेकिन एक या दो क्वेश्चन कहीं गया नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम में पहला देखिएगा, धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2, लिखिए भाई। साक्ष्य अधिनियम में पूर्व दोष सिद्धि कहाँ है, तो एक एक लाइन हम लिखवाते चल रहे हैं। धारा 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2, अब यही क्वेश्चन आया था, देखिए कि धारा 14 के किस स्पष्टीकरण में पूर्व दोष सिद्धि का मैंने साक्ष्य सुसंगत है, रेलेवेंट है, तो दे दिया था स्पष्टीकरण 1, स्पष्टीकरण 2, स्पष्टीकरण 3, इनमें से कोई नहीं। तो एक दो ऐसे महारथी थे जो स्पष्टीकरण 3 मार कर आ गए थे, अब बाद में आकर पूछ रहे थे, हम कहे कि लगातार 10 बार बताया होगा मैं कि एक्सप्लेनेशन नंबर कौन सा, 2, तो 3 क्यों मार कर आ गए, तो कहे कि वहाँ दिमाग ही काम नहीं किया। तो भाई हमें दिमाग तो स्थिर करना ही पड़ेगा। तो आइए एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में प्रायर कन्विक्शन का सिद्ध मैंने सुसंगत बनाया गया है। अब किस रूप में, रूप भी पूछा जाता है, तो किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, उसको एक लाइन लिख लीजिए। मन की बुरी दशा, यानी कि माइंड की बैड कंडीशन, तो किस रूप में सुसंगत यहाँ है, तो मन की बुरी दशा के रूप में, अंडरलाइन करिए, मन की किस दशा के रूप में, बुरी दशा। अगला देखा, अगला आपका पढ़ना है सेक्शन 40, धारा 40 में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, ये किस रूप में, रेह जुडिकेटा के रूप में, लिखिए। धारा 40 में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, रूप भी लिखते रहिएगा किस रूप में, तो किस रूप में पूर्व दोष सिद्धि सुसंगत है, प्रांग न्याय या रेह जुडिकेटा, पूर्व न्याय, रेह जुडिकेटा के रूप में। अब आइए फिर क्वेश्चन बनता है, धारा
54 का स्पष्टीकरण दो, यहाँ भी स्पष्टीकरण दो ही है, लिखिए धारा 54 का स्पष्टीकरण टू, सिद्धि सुसंगत है, वह अभियुक्त के बैड करेक्टर, लिख लीजिए बुरा सील या बैड करेक्टर के रूप में धारा 54 का स्पष्टीकरण दो में पूर्व दोष सिद्धि बैड करेक्टर यानी कि बुरा सील के रूप में क्या है, रेलेवेंट है। इसको अच्छे से तैयार रखिए, अब ये आ सकता है बुरा सील। 14 तो हमेशा पूछा ही जा रहा है, लेकिन ये हो गया बुरा सील बैड करेक्टर के रूप में। और एक सेक्शन अभी बचा है 153 का, परंतु नंबर वन, परंतु वन लिख लीजिए 153 का प्रोविजो या परंतु नंबर वन, प्रोविजो 153 का प्रोविजो नंबर वन ये किस रूप में, तो उत्तर का खंडन करने के लिए एक लाइन लिखिए तब इसको समझाते हैं। उत्तर का खंडन करने के लिए, उत्तर का खंडन करने के लिए अब एक उदाहरण बनाया जाए और उत्तर का खंडन कराया जाए। देखिए एक वकील साहब है, एक गवाह आता है, गवाह से पूछताछ करते हैं, गवाह से पूछते हैं कि ये बताओ क्या तुम कभी चोरी के लिए इसके पहले सजा पाए हो, तो गवाह कहता है कि नहीं हजूर, मैं कभी भी चोरी के लिए सजा नहीं पाया हूँ। यानी कि वह अधिवक्ता ने प्रश्न किया और गवाह ने क्या दे दिया, उत्तर। तो उस उत्तर को काटना है, उस उत्तर का खंडन करना है, ये गवाह झूठ बोल रहा है। तो यहाँ जो अभियुक्त अगर पहले कभी दंडित हुआ, गवाह पहले कभी दंडित हुआ होगा, से साक्ष में पेश कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। ये गवाह क्या बोल रहा है, झूठ, ये पहले चोरी के लिए दंडित हुआ था, इस पर विश्वास न किया जाए, क्योंकि चोरी खुद किया है और आया है इस मामले में क्या देने, गवाह। यानी कि यहाँ पूर्व दोष सिद्धि गवाहों के उत्तर का क्या करने के लिए सुसंगत बनाई गई है, आपका खंडन, मंडन नहीं, संपुष्टि नहीं, क्या करने के लिए। तो भाई कहिए तो फिर एक बार उदाहरण बताएं, न समझ में आया तो फिर एक बार इसको देखिए। वकील साहब ने गवाह से प्रश्न किया कि क्या तुम इसके पहले कभी चोरी के लिए सजा पाए हो, गवाह ने उत्तर दे दिया कि मैं, तो इस उत्तर का अब क्या करना है, विरोध करना है कि समर्थन, विरोध। तो वकील साहब तुरंत क्या करेंगे, उसका हिस्ट्री खोल देंगे, इतिहास खोल देंगे और पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष क्या करेंगे, दे देंगे। तो आपका मैं बता दूं, इतिहास बहुत खतरनाक होता है और इतिहास के आधार पर ही लोग ब्लैकमेलिंग भी करते हैं। और आपका, और जैसे कि बाबा कांड देख लीजिए, बाबा को चेला ही क्या कर रहा था, ब्लैकमेलिंग। तो ऐसे लोगों से मित्रता बनाते समय आप भी सतर्क रहिए। देखिए आगे भाई, ये तो आपका, इसके बाद आइए आपका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्व दोष सिद्धि कहाँ है, तो सभी लोग जानते हैं अनुच्छेद 20 के किस क्लाज में है, टू, लिख लीजिए अनुच्छेद 20 के किस खंड में है, दो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। अब आइए फिर बैक हो आईपीसी में, अभी 75 शुरू नहीं हुई, अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लाज लिख लिए, दो। अब आइए आईपीसी में भाई, अब पूर्व दोष सिद्धि आपका कहाँ दी गई है, तो 75।
अब एक लाइन और जान लीजिए कि अगर अभियुक्त पहले से दंडित हो चुका है और पुनः अपराध करता है तो ऐसी कंडीशन में आपका दंड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। अभी फिर आपका आईपीसी और से कम आपका 3-4 धाराएं रटिएगा भाई, पूरा तो नहीं, 1-303 मार कर जाइएगा, 1-307 का कौन सा क्लाज, सेकंड क्लाज, और इधर दुराचार के मामले के तो पुनरावृत्ति नहीं, 376 का क्लाज लगा ना भाई हमें। देखिए भाई आपका ई है, पुनरावृत्ति करता अपराधियों के लिए दंड, यानी कि रिपीट किया है वही अपराध। भाई आवाज नहीं जा रहे हैं क्या, देखिए तो एक बार। हेलो, देखिए आपका ये 376 ई, ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तीन उदाहरण मैं बता रहा हूँ, और भाई और तो उतना, अब मैं तीन उदाहरण कम से कम आईपीसी का देखा जाए और बाद में देखा जाएगा, तब 75 कम से कम समाप्त कर दिया जाए ताकि कल से आपका अध्याय 4 शुरू किया जाए। देखिए आपका 303 अवैध धारा है, वर्तमान में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहती है कि अगर रहा है, तब 75 तो बहुत कम है, 2 ही मिनट में निपट जाएगी, लेकिन मुख्य रूप से कोरिलेशन ज्यादा पढ़ना है आपका। ये क्वेश्चन मैंने झारखंड में पूछा गया था, अभी पिछली बार उत्तराखंड जे में 307 का सेकंड पैरा पूछा गया, और ये तो 303 तो हमेशा आती रहती है। तीनों सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। एक एक लाइन देखिए, अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और उसी दौरान वह किसी का मर्डर करता है, तो 303 कहती थी कि अब उसे केवल एक सजा दी जाएगी, डेथ सेंटेंस या मृत्युदंड। तो मिठू सिंह वर्सेज पंजाब राज्य के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया और कहा कि ये जो संविधान धारा है ये तो समता के अधिकार का शुद्ध रूप से उल्लंघन करती है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मर्डर करता है तो 302 के तहत या तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी, और 303 में तो मर्डर करने पर केवल और केवल कौन सी सजा है, मृत्युदंड। अतः यह समता के अधिकार का क्या करती है, उल्लंघन, अवैध है, लेकिन दंड की मात्रा बढ़ती थी। अब 307 का सेकंड पैरा देखिए, अगर कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है और यही हल्का सा घुमा दिया था, हत्या का प्रयास करता है, तो कई लोग पढ़ लिए कि हत्या करता है, हत्या करता है तो 303, और एक शब्द में बदल जाएगा बैरेट, हत्या का क्या करता है, प्रयास करता है, तो कौन सी धारा, 307 का कौन सा क्लाज, सेकंड, यानी कि आजीवन कारावास की सजा किसी मामले में भुगत रहा है, उसी दौरान वह क्या किया, हत्या का प्रयास किया, तो अधिकतम दंड दिया जा सकेगा, चाहे न्यायालय दे न दे, तो अधिकतम दंड कितना दिया जा सकेगा, मृत्यु दंड दिया जा सकेगा, यानी कि न्यायालय देने के लिए बाध्य, अब अंत में दिया जाएगा, दिया जा सकेगा। ये भी आपका उत्तराखंड और झारखंड लिख रहे हैं आजकल, यूपी भी अब लिखेगा, नहीं कहा ना ऊपर वाला दंड दिया जाए, आजीवन कारावास है इत्यादि। देखिए
उपर्युक्त उपबंधित ऊपर उपबंधित दंडों से दंडित किया जाएगा, तो आजीवन कारावास इत्यादि ऊपर है ही, फर्स्ट पैरा में जो है। हाँ, आजीवन कारावास दे सकते हैं पुनः, चार, एक ही अपराधी को 4 वर्ष सजा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़े है। अब आजीवन कारावास पहले से भुगत रहा है, फिर आजीवन कारावास, तो दोनों कारावास साथ में चलेंगे, मतलब कि अपराध के लिए सजा पाया, नहीं भुगत रहा है ठीक है, लेकिन नए अपराध के लिए सजा पाया ये तो होगा, बचा तो नहीं, ठीक है अपना साथ में भुगते। हाँ, वो जो भी दे उससे मतलब नहीं है। आपका तीसरा नियम देखिए भाई, दुराचार के मामले में, अगर एक व्यक्ति एक बार दुराचार के मामले में सजा पाया और फिर दोबारा किसी स्त्री के साथ दुराचार किया और उस पर दूसरी बार दुराचार के लिए मुकदमा चला और दूसरी बार वह अब सजा पा रहा है, तो न्यायालय अब अधिकतम उसे मृत्यु दंड की सजा दे सकता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूर्व दुराचार के मामले में पूर्व दोष सिद्ध किया गया है, दोबारा वैसा कार्य किया है, तो अब दंड की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, आजीवन कारावास नहीं, अब कितना अधिकतम दिया जा सकता है, मृत्यु दंड। तो ये तीन सेक्शन, अब 75 देख लिया जाए आपका, देखिए खत्म किया जाए तब ब्रेक दिया जाए। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्धित दंड, इंक्रीज, बढ़ा हुआ, ना तो लिख लीजिए, वर्धित मैंने क्या, बढ़ा हुआ। अब पहला क्वेश्चन आइए कि जो 75 है ये पूरी आईपीसी के लिए लागू होगी कि केवल 2 अध्याय के लिए, बताइए तो कौन कौन, तो 12 में सिक्कों का कूटकरण इत्यादि है और अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराध, अन्य में लागू नहीं होगी, किस अध्याय में, केवल आपका 12 और 17, कल इसको बताएंगे, अब थोड़ा ब्रेक ले लीजिए क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा भाई, तो कल हम इसको बता देंगे, फिर आपका कल देखिए भाई अध्याय 4 शुरू किया जाएगा, तो रेस्ट ले लिए तो एविडेंस चलेगा भाई, आपका एविडेंस भी जल्दी निपटाया जाए ताकि नया सब्जेक्ट